भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। इस वीडियो में बहुत ही काम की जानकारी लगी है, जिनमें सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों, आपका जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसका नया वर्जन आ गया है। आप सब गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पहले उसको अपडेट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बदल गई हैं। आज दोपहर 12 बजे के वीडियो में आपको सब कुछ उसमें हम बताएंगे, समझाएंगे। आंगनबाड़ी सेंटरों की जो हाजिरी लगती है, केंद्र खोला गया जो दिखाया जाता है, पिछले वाले वर्जनों में ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो सब हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें बताएंगे, आधार वेरिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। तो आज दोपहर 12 बजे का वीडियो जरूर देखना। अभी हम आपको एक ये फोटो दिखा रहे हैं। रीता श्रीवास्तव बहन आती है बाराबंकी जिले से, उन्होंने देखिएगा अपने वहां से स्क्रीनशॉट भेजे हैं। जो भी उनके लाभार्थी हैं सब वेरीफाई यहां पर दिख रहे हैं, तो आप सब भी अपना अपना चेक कर लेना, अगर हो जाए तो जो है वेरीफाई कर लेना। दोपहर का वीडियो देखना, मैं उसमें बहुत कुछ आपको समझाऊंगा, उसके आधार पर आपके बहुत सारे जो लाभार्थी हैं उनका वेरिफिकेशन हो भी जाएगा। इधर ज्ञानमाल सिंह बहन है, जौनपुर से आती हैं, इनका भी कहना है भाई इसमें अपडेट करने पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, क्या करें। तो नया जो लाभार्थी जोड़ने वाला जो ऑप्शन होता है वो कह रही नहीं आ रहा है, उसको कैसे लाएं। तो वो सब आपको दोपहर 12 बजे के वीडियो में समझा देंगे, सभी को बता देंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था प्लस वाला एक निशान आपको दिखेगा, उसमें जाकर के सब करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, दोपहर 12 बजे लाइव डेमो वाला वीडियो लाएंगे, आपको उसमें सब करके बताएंगे ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। वहीं आपको मोटा मोटा एक बात बता दें, देखिएगा अब जब आप अपडेट कर लेंगी गूगल प्ले स्टोर में और आपका नया वर्जन वाला पूरा अपडेट होकर के आ जाएगा पोषण ट्रैकर, तो उसमें आपको ये डेली ट्रैकिंग का भी एक मॉड्यूल यहां पर जोड़ दिया गया है। बाकी वेरीफाई आधार का है और घर का दौरा करने का है और बेनिफिशरी का है, इस तरह से आपको वहां पर सामने 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, और भी जो भी जिसमें होगा सब आपको आज बताएंगे। वहीं पर देखिए आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया, ये वाला भी अब आ जाता है। क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला तो इसमें आपको भरना होगा, हाँ, जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। तो इस हिसाब से जो चीजें करनी है, और उपस्थिति और हाजिरी आती है, HCM आता है, सुबह के स्नैक्स आते हैं, गतिविधियां आती हैं, सब कुछ आता है, और सब कुछ आपको पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करते रहना है, क्योंकि इसी से आपका जो है प्रोत्साहन राशि जनरेट होगा। बहुत सी बहनें कहती हैं प्रोत्साहन राशि कैसे पता चलता है कि हमने काम किया और वो जनरेट हुआ, तो वो होता है आपके पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड से। और जो डैशबोर्ड है होता है जिसकी आईडी CDPO DPO लोगों के पास में होती है, आंगनबाड़ी बहनों आपके पास नहीं होती, तो अधिकारियों को पता चल जाता है कि किसने कितना कैसा काम किया। वहीं पर देखिएगा यहां पर मैंने जो है उसमें होम विजिट वाला भी ऑप्शन करके देखा था, गृह भ्रमण वाला, तो उसमें देखिएगा रिकॉर्ड भी सफलतापूर्वक जो है हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आज आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। खैर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये कुछ ऑप्शन है बेनिफिशरी वाले, जब ऑप्शन में आप जाओगी तो उसमें आपको इस तरह से सब दिखेंगे, और यहां पर आपको नीचे साइड में एक प्लस वाला ऐसे निशान दिखेगा, जब आप इस पर जो है क्लिक कर लेंगी तो फिर आप लोगों को इस तरह से जो है नीचे खुलकर के आ जाएगा। सेलेक्ट बेनिफिशरी टाइप यानी लाभार्थी का जो प्रकार है उसको आपको चुनना है, जिनमें सभी लाभार्थियों के आप लोगों को ऐसे मॉड्यूल टाइप के बने हुए दिख जाएंगे, उनमें से जिसका भी आपको फीडिंग करना है उस पर आपको बस सिंपली टच कर देना है, और बस उस वो लाभार्थी वाले में जो है जुड़ने के लिए पूरा पेज खुल जाएगा, और उसमें आप फिर फीडिंग अपना नए सिरे से कर सकती हैं। तो यहां पर देखिएगा अभी इन मुद्दों पर हम दोपहर बात करेंगे, अभी आपको मोटा मोटा इसलिए बता दिया ताकि सभी भाई बहन जो है दोपहर 12 बजे के वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़े, उसको जरूर देखें। इधर बात करते हैं जौनपुर के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने 3 जून को अपने यहां CDPO लोगों को महाराजगंज जौनपुर एक लेटर भेजा है, और भेजे गए अपने लेटर में उन्होंने कहा है, नाम तो है इनका डॉक्टर RB सिंह जी हैं DPO, इन्होंने कहा है कि माह मई 2022 में पोषण ट्रैकर पर THR की फीडिंग करने के संबंध में। तो इनके वहां पर जो है जौनपुर वगैरह में महाराजगंज में क्या चल रहा है कि जो मई महीना था पिछला वाला
उसमें पोषण ट्रैकर पर THR की फीडिंग कैसी है पहले इसके बारे में समझ लीजिए। लिखा है पोषण अभियान के अंतर्गत जनपद में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को केंद्र से संबंधित सूचना की फीडिंग करने के लिए स्मार्टफोन प्राप्त कराया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर केंद्र पर जो है वितरण होने वाले THR, सामुदायिक गतिविधि, बच्चों का वजन आदि फीड करने का कार्य किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर माह मई 2022 के THR वितरण की फीडिंग की समीक्षा करने पर निम्न जो है स्थिति पाई गई है। यहां पर DI के अनुसार THR प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 11,816 इनके वहां है। पोषण ट्रैकर ऐप पर THR प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या मात्र 160 है। प्रतिशत इसका देखें तो 1.35% है पोषण ट्रैकर के आधार पर जो है जो पोषाहार का वितरण हुआ है वो यहां पर प्रदर्शित हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो THR वितरण है वो पोषण ट्रैकर पर नहीं हुआ है माह मई में फीडिंग। इसके पीछे बहनों की लापरवाही का कारण नहीं है, इसके पीछे पोषण ट्रैकर की खराबी का कारण है, क्योंकि इसमें बच्चों का जो आधार है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है और बिना वेरीफाई आधार के पोषण ट्रैकर पर आप THR वितरण नहीं कर सकते। यही एक कारण था जिसके कारण कार्यकर्ती बहनों ने अपना फीडिंग करने में उनको समस्या आई और वो उसको नहीं कर पाए। खैर विभाग क्या कह रहा है इनका सुनिए। इनका कहना है कि यह स्थिति बेहद असंतोषजनक है, अतः उपरोक्त के क्रम में आपको स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर आपका मामला 2022 का वेतन बाधित कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारी समझ में यह नहीं आता उच्चाधिकारी बिना मामलों को संज्ञान में लिए हुए आखिर कैसे इस तरह की जो है धमकियां देने लग जाते हैं कि आपका जो है यहां पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, आपका वेतन बाधित कर दिया जाएगा, फला फला चीजें। जबकि आप सब जानते हैं कि THR जब वितरण हो ही नहीं पा रहा है पोषण ट्रैकर पर पिछले वर्जनों की अपेक्षा, तो कैसे जो है वहां पर प्रदर्शित कर देंगी। जो भी बच्चे वेरीफाई है, आधार उनका लगा है और वेरीफाई हो गया उनका तो ठीक, बहुत से लोगों ने घर वालों के भी आधार कार्ड लगाए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वेरीफाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, उसमें एरर आती है। अब ये एरर क्यों आती है ये पोषण ट्रैकर के जिम्मेदार समझें, ना कि जो है यहां पर बाकी लोगों को पता चल पाएगा। तो जिन्होंने बनाया है ऐप उनको उसमें मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन वहां पर इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता। अब जो अपडेट आया है अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, आने के बाद में कुछ समय बीतने के बाद में कमियों का पता चलता है। खैर उम्मीद यही लगा करके रखी है कि इस बार पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन में आपको शायद ज्यादा दिक्कतें ना हो। खैर पिछले वर्जनों में तो बहुत सारी कमियां थी, बहुत कुछ था जो गायब हो चुका था, इस बार वो सब जो है वापस आया है। तो ये जो ऊपर से गड़बड़ियां हो रही हैं सुधार इनमें चाहिए, ना कि निचले स्तर पर कि क्यों नहीं किया गया है। वो तो करना चाहते हैं करते हैं लेकिन होता नहीं है। विभाग की भी तो एक जिम्मेदारी है कि ₹200 या जो भी है रिचार्ज के लिए जो वित्तीय प्रावधान है आप उसका भुगतान जो है हर महीने समय पर क्यों नहीं करते। इस लापरवाही के लिए विभाग अधिकारी और विभाग अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं मानता, यह भी तो एक सवाल है। तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अधिकारी नहीं निभाना चाहते, उस पर वो एक शब्द नहीं कहना चाहते, खुद को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन अगर छोटा कर्मचारी कुछ करे ना करे क्यों नहीं कर पा रहा है उसके पीछे कारण बिना जाने इस तरह से लेटर निकाल दिए जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी कार्यकर्ता बहनों को होता है। संजू बहन आती महाराजगंज से और उन्होंने अपने वहां से लेटर भेजा था। इनके अलावा अनिता बहन आती पीलीभीत से और पीलीभीत जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय उनका 3 जून का एक ये लेटर जारी हुआ है। अरविंद कुमार जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी पीलीभीत में, इन्होंने अपने वहां CDPO लोगों को कहा है कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या सब ये दिए हैं, ऐसे से करके ग्रीष्मकालीन अवकाश यहां पर जो है घोषित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी जो है यहां पर इसमें है प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में, तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हो गया है, इसके बारे में ये लेटर था। और ये लेटर मैं पहले दिखा चुका हूं, इसमें देखिए 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अवकाश की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दे दी गई है और ये शर्तें भी मैंने कल आपको बता दी हैं। कार्यकर्ता बहनों को अपना वहां पर काम करते रहना है, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो अब देखिएगा कुछ चीजें हैं जो चैनल पर मैं दिखा देता हूं, बावजूद इन चीजों के बहनें वही चीजों को बार बार भेजती हैं, इससे यही पता
चलता है कि शायद इन बहनों ने जो है वीडियो ना देखा हो, यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं बांका जिले से जो यहां पर बोल रहे हैं, इनको लिखना चाहिए था और इन्होंने लिखा है कि बैल रहे हैं। सहायक का नाम है रेखा कुमारी, 2022 से 5 महीने से पैसा नहीं आया है, 4 जून बीत गया है अभी नहीं आया है और कैसे घर चलाएं। तो समस्याएं हैं बहनों के साथ में, आप यहां पे देख रहे हो ये जो बहन है रेखा कुमारी बांका जिले से आती है बिहार के और 5 महीने से इनके वहां पर पैसा नहीं गया है, बहुत सारे इनके जो है समस्याएं बनी हुई है। तो विभाग से यही कहना है कि पैसे का बंदोबस्त जल्द से जल्द करें, बकाया भुगतान भी शीघ्र अतिशीघ्र कराए जाएं। इधर आप देख रहे हैं गोपालगंज से भी एक लेटर आया है, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना सिंधवलिया जो गोपालगंज में पड़ती है वहां से 2 बहनों को इस तरह से भेजा गया, श्रीमती कुंती देवी और श्रीमती रूबी कुमारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं 13/4/22 और 21/4/22, 28/4/22 और 4/5/22 इसको जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी के निरीक्षण के क्रम में पाई गई त्रुटियों के संबंध में इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें यहां पर बोला जा रहा है कि उपरोक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त है जो कि निम्नवत है। पहला है आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 74 बखरौर में जो पंचायत में पड़ता है, सेविका कुंती अनाधिकृत रूप से केंद्र पर अनुपस्थित हैं, बच्चों के रख रखाव की स्थिति काफी दयनीय है, साफ सफाई का घोर अभाव है। साथ ही दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 43 जो है पंचायत इनका मोहम्मदपुर पड़ता है, लाभार्थी से बातचीत के दौरान पोषण उपक्रमों के संचालन की स्थिति संतोषजनक थी, साफ सफाई एवं पठन पाठन हेतु केंद्र की संचालिका सेविका सहायिका को निर्देशित किया गया है। इस तरह से ये चीजें यहां पर आई हैं, 2 दिन के अंदर यहां पर अपना ये स्पष्टीकरण देंगी। बाकी आपको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट को सुनकर के काफी नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको यहां पर अच्छा लगेगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव जो हैं वो इंटरनेट सेवा से जुड़ जाएंगे, अभी भी जुड़े हैं लेकिन अभी आप जो इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहे हैं वो आपका ये वाला है, ये टावर बेसिस वाला है जो कि आपका ये टेलीकॉम कंपनियां ये वाली दे रही हैं, सिम कार्ड वाला इधर उधर जो है ये कनेक्शन आप जो देख रहे हो मोबाइल फोन वाला, ये नहीं, आपको जो इंटरनेट मिलेगा वो इंटरनेट है आपका वो फाइबर केबल वाला, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा, आपने अभी तो एंजॉय नहीं किया होगा, जो शहरों में रह रहे हैं उनको पता होगा कि जो है यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो फाइबर केबल टाइप के आते हैं इनकी स्पीड कितनी अच्छी होती है और ये क्यों जरूरी होती है, क्या क्या किन लोगों को चाहिए होती है, इन सब चीजों के बारे में आपका जागरूक होना भी जरूरी है। खैर बाकी खबर आपको बताते हैं, 4 जून को ये 12:07 PM पर योगी आदित्यनाथ जी के वहां से ये ट्वीट किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी के सभी गांव इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगे। तो अब गांव में भी जो है आपका फाइबर केबल आज आ चुका है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर गांव में पहुंचा दी गई है केबल और अभी बस वो चालू लाइन नहीं हुई है, अब वो भी चालू हो जाएगी, अभी देखते हैं इसके लिए क्या क्या बोला जा रहा है। इनका कहना है लखनऊ से ये शैलेंद्र श्रीवास्तव को यूं है, उनकी रिपोर्ट है सोशल मीडिया में, राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों में जो है इंटरनेट सेवा से उनको जोड़ने जा रही है, इनका मकसद गांव तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं का लाभ देना है, इसके लिए फ्री राइट ऑफ वे योजना के तहत अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागों को देना होगा, उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराने की तैयारी है। तो अभी भैया जो है सहमति उच्च स्तर पर अधिकारी और जो भी मंत्री होंगे इनमें सब में बनी है, लेकिन अभी जो है कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, अभी वो मिलना बाकी है। बाकी प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के सभी जो ग्रामीण आवासीय परिवार हैं और शासकीय संस्थान हैं उनकी मांग पर सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा देने की योजना तैयार कराई है, इसके लिए उच्च स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए संचार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत नेट को चुना गया है, इसके द्वारा प्रदेश के सभी विकास खंडों से ग्राम पंचायतों तक 58,545 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। तो भैया आपके वहां विकास खंडों से गांव तक जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है लगभग 58,545 किलोमीटर लाइन बिछा जो दी गई है विभाग सरकार की तरफ से, अब जल्द से जल्द जो है इसमें इंटरनेट का जो है सुचारू रूप से संचालन जो है सुनिश्चित होगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गांव में भी हो सकता है कनेक्शन दे दिए जाएं, फिलहाल जो अभी थे वो तो आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए थे और बाकी जो है सरकारी जो भी भवन वमन है जैसे पंचायत भवन हो गया इन सब चीजों को CSC हो गया इनमें कनेक्शन देने का प्रावधान था, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अगर लेना चाहता है तो वहां तक वो कनेक्शन पहुंचाया जाए गांव में भी तो ये ज्यादा
बेटर रहेगा। क्या होगा लोगों को फायदा इसका देखिए, ऑनलाइन काम आसानी से हो सकेंगे क्योंकि स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा होती है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा, बिजली का बिल गृह कर और जल कर बैठे जमा किया जा सकेगा, खसरा खतौनी या फिर भूलेख संबंधी सभी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी, राजस्व विभाग से ऑनलाइन नक्शा मिल सकेगा, केंद्र व राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ गांव गांव तक आसानी से पहुंचेगा। खैर इसमें कुछ चीजें हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से मुख्य रूप से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन वो दूसरे हिसाब से जुड़ी हैं। अब ये खसरा खतौनी नक्शा ये इंटरनेट से थोड़ी इसका लेना देना है, वो तो आप अपना मोबाइल फोन से भी जो है निकाल सकते हो, कनेक्ट करके इस वाले डेटा से भी चल जाएगा। आपके लिए जो ब्रॉडबैंड जो फाइबर केबल है उसका मेन कारण होता है हाई स्पीड आपको जो है डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई बच्चा अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहता है यानी लाइव आकर के बात करना चाहे तो अच्छी क्वालिटी में वीडियो आएगा, एक इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो अच्छी उसको मिलेगी, या बहुत ज्यादा जैसे कंप्यूटर कहीं लगे हैं तो कहते हैं ना कि नेट स्लो चल रहा है, डाटा खत्म हो गया है या टावर नहीं आ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि इसमें जो कनेक्शन होता है वो केबल से आता है और केबल वाले में कोई जो है आप प्रतिरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा और अच्छी तरीके से जो आपको स्पीड मिलेगी। तो एक बेस्ट तरीका ये फाइबर केबल का होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, जो कि वहां पर ड्रॉप आउट आपको देखने को नहीं मिलते। वहीं टावर में कभी टावर बंद, कभी ये, कभी वो, कभी ये, सब यही चलता रहता है और उसकी स्पीड भी उतनी नहीं है, 2 MB 3 MB हद होती है 4 MB, लेकिन इसमें आपको 1 GB तक की पर सेकंड में स्पीड मिलती है जैसा आपको वहां पर डेटा प्रोवाइड किया, जैसे आप प्लान जो लेना चाहोगे। देखिए ये विभाग देंगे NOC जरूरत के आधार पर, औद्योगिक विकास विभाग, लोक निर्माण, पंचायती राज, ऊर्जा, वन विभाग अनुमति या अनापति देंगे। इसकी तरह ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई, नगर विकास, आवास, गृह, राजस्व, पर्यावरण, राज्य संपत्ति, चिकित्सा, स्वास्थ्य और नियोजन ये भी जो है जरूरत के आधार पर अनुमति या फिर अनापत्ति देंगे। तो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द जो है गांव गांव तक जो है फाइबर केबल पहुंचाए। इंटरनेट बहुत जरूरी है आज के जमाने में क्योंकि इससे काफी लोगों को रोजगार घर बैठे भी मिलता है और जनरेशन भी आज की देख रहे हो कि बाहर पढ़ना नहीं चाहती, वो भी समझ रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अब आप ऐसे सिंपल तरीके से समझो, अगर कोचिंग की फीस कहीं जो है मान लीजिएगा 1 लाख रुपया है तो वो उसने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया, दे दी, ठीक, ऑनलाइन। अब बाकी वहां जाकर के शहर में कोई बच्चा गांव का बेचारा रहेगा तो उसका भी जो है 8,000-10,000 रुपया महीने का वो भी खर्चा आएगा। अब इस हिसाब से लाखों में तो उसके हर साल इसमें भी चले जाएंगे, कोचिंग की अलग से फीस जाएगी, तो कहां से गरीब परिवार ये करेगा। अब मान लीजिएगा वो घर में रहता है, कोचिंग का उसने पूरा अपना जो भी सिलेबस है वो सब खरीद लिया एक बार में, क्योंकि ऑनलाइन भी मटेरियल बिकते हैं तो सब सारी क्लासेस सब जो उन्होंने अपना ऑनलाइन वाली सब खरीद ली। अब वो उनको 70-80 हज़ार या 1 लाख का भी मान लो पड़ गया, बाकी वो घर में अपना है तैयारी कर रहे हैं तो उनका 10,000 रुपया महीना वाला खर्चा उनका बच जाएगा। एक साल में उनकी समझ लीजिएगा फीस जो डबल वहां पे लग जा रही वो भी उसकी बच जाएगी और घर से बहुत सारी सुविधाएं हो जाती है, लोगों को खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धुलने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो और उसके अलावा बहुत से लोग गांव देहात में या घर में है और भी कोई रोजगार धंधे चला रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो उसमें भी उनको फायदा होगा। तो इस तरह से और वैसे भी जो है अच्छा इंटरनेट मिलेगा तो देश तरक्की ही करेगा, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आसान हो जाएंगी। आप सोचिए पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं थे, तब दुनिया कैसी थी, कैसे लोग रह रहे थे, और अब आज के जमाने में कितना चीजें फास्ट होती जा रही। हाँ, इसका जो गलत उपयोग कर रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, वो तो उनकी जो है मंशा पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव लें और सही जो है यहां पर उसके काम को लें तो इंटरनेट गलत नहीं है, सही है। अब यूज करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज को जो यूज करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ड्राई राशन वितरण कर रही बलेश गौतम बहन सहारनपुर से आती हैं और एक ये बहन है सुनीता सिंह बाराबंकी से आती हैं और ये आती हैं सुधा सिद्धार्थनगर से, इनके अलावा आती है माया कौशाम्बी से और साथ ही एक ये बहन है सरोज कुमारी बहराइच से और इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम निर्जा पटेल जो इटावा से हैं और ये आती हैं सुनीता जो कि कानपुर देहात से आती हैं और ये हैं अफसाना जो कि बहराइच से आती हैं। और आज जो सुबह का वीडियो उसको यहीं तक रखेंगे, दोपहर में आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे अभी के